हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है ना, मैं काफ़ी लेट नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ और सुन के ही हैरान हो जाएंगे कि अभी टाइम कितना हो रहा है। लगभग रात के 12 बज रहे हैं और सब लोग सो चुके हैं, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ पर, मैंने सोचा कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। तो ये मैं छोटी सी गगरी है पानी की, मैंने न्यू वाली निकाली थी तो मैं इसमें पानी भर के रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह गर्म पानी लगता है पीने के लिए और दिन भर के लिए। तो मैंने सोचा अभी से ही इसको भर के रख ले रही हूँ। तो बस अभी है ना, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से देख लेती हूँ किचन में जाकर। तो सब लोग है ना जा चुके थे और मुझे भी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अभी आ रहे हैं, क्योंकि कार्तिक भी वो है ना, जब तक नहीं सोएगा बार बार चिल्लाता रहेगा मम्मी कब आ रही कब आ रही। तो फिर मैंने बोला अभी आती हूँ। तो कुछ बर्तन रह गए थे तो वो मैं नहीं धो पाई हूँ, और क्योंकि बाहर ना पीछे साइड में धोती हूँ ना तो वहाँ अंधेरा लगा रहता है, तो वहाँ का भी लाइट जो है ना वो ख़राब हो गई इस वजह से, नहीं तो मैं रात को ही धो लेती हूँ। और बड़े बड़े बर्तन थे तो यहाँ पर बड़े वाले बर्तन ना बनते नहीं हैं, बाकी छोटे छोटे मैंने धो लिए थे। बस यही बड़े वाले बर्तन रह गए थे जो वो खाना बनाए थे, कुकर और कढ़ाई, तो ये नहीं बना मुझसे यहाँ पर, तो मैं इनको बाहर ही दूँगी। तो यहाँ पर वही मैं चीज़ें देख रही थी सुबह के लिए, तो सारी चीज़ मैंने करके और सब सेट करके और रख दिए कि चलो सुबह कोई दिक्कत ना हो, फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये एक तैयार करके रखा था, ये मैंने सुबह ही तैयार किया था लेकिन मैं नहीं बना पाई इसका अचार। ये अचार बनाना था मुझे, और इसके बाद ना मतलब अच्छे से सूख गया था। अच्छा, किसी ने ये एक बार जब मैंने ये बनाया था फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम शायद, तो ये अचार ना मतलब बनाया था तो ये जो गाजर मूली और मिर्च है ना, मैंने धूप में नहीं सुखाया था, ऐसे ही हवा में जैसे अभी रखा है ऐसे ही खुला रख दिया था, तो ये अच्छे से ड्राई हो गया था। वैसे ज़रूरत नहीं है ड्राई करने की, क्योंकि ये तो तुरंत ही बनाओ और चट हो जाता है, मतलब एक ही दो तीन दिन में इतना अच्छा टेस्टी बनता है, तो ज़्यादा समय तो चलने वाला है नहीं। और मैं ऐसा अचार ज़्यादा टाइम तक के लिए बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं पता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा महीनों, तो इसीलिए मैं एक वीक के लिए तो बना ही लेती हूँ। साथ के साथ देखिए, मैंने एक काम और कर लिया यहाँ पर, अपनी वीडियो जो है ना वो एडिट कर ली, तो वही उसमें लगी हुई है, अभी एक्सपोर्ट में लगी है। और यहाँ पर देखिए लगभग 12:15 बज चुके हैं। अब वैसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इतना तो हो ही जाता है डेली, इससे भी ज़्यादा और टाइम हो जाता है। और मतलब कभी कभी मेरा जैसे कि कभी एक भी बज जाते हैं, डेढ़ बज जाते हैं, अपना काम करती रहती हूँ तो ये काम भी ना बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो धीरे धीरे 12:15 से ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर मैं अपलोड पे वीडियो को जो है ना वो लगा रही थी, वीडियो वो हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। हेलो एवरीवन, और अभी है ना रात के 12:15 बज गए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा काम कर रही थी अपना, मेरा काम वाम हो गया है। और देखिए 12:18 हो गए, मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, नींद तो नहीं आ रही लेकिन हस्बैंड गुस्सा होने लगेंगे फिर ज़्यादा देर हो जाएगी, तो चलो चलते हैं सोने। और ये बनाते ही रह गई, मैं बना ही नहीं पाई इसका काम, तो ये मैं कल बनाऊंगी इसका अचार, काफ़ी दिन का हो गया है ख़त्म, बहुत दिन का हुआ ये, एक हफ्ता हो गया मैंने नहीं बना पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया तो बना नहीं पाई हूँ, तो सुबह बनाऊँगी। और चलिए अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ सुबह की मॉर्निंग के साथ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए अभी सुबह हो गई है, सुबह का टाइम हो गया है, और बस अब मैं यहाँ पर है ना कार्तिक का मैंने टिफ़िन जो है ना वो बना रही हूँ, तो बन ही गया है, क्योंकि आज एक ही चीज़ बना रही हूँ, वन पॉट मील, तो डेली एक तरह का मैं उसको टिफ़िन नहीं देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा है ना चेंज करती रहती हूँ।
मतलब रोज़ रोज़ पराठा वगैरह या पूरी, ये सब पूरी तो हफ्ते में कंपलसरी है कि एक ही बार मैं देती हूँ, सिर्फ ही रोज़ रोज़ नहीं देती हूँ क्योंकि फिर वो खाता भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए कार्तिक जो है ना वो रेडी हो रहा है और मुझसे मांग रहा था एक कपड़ा, उसका जूता जो है ना वो गंदा था तो उसको साफ़ करना था। और कितना भी उसको बोलो ना कि कुर्सी पे बैठ के वहाँ पहन लो, लेकिन देखिए आप लोग पता नहीं बच्चे क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुधारते हैं। इतना बोलती हूँ ना मैं, इसलिए मैं चिल्लाना भी छोड़ दी मैंने, मतलब चिल्लाती तो नहीं, डांटना कि मानता ही नहीं कोई चीज़ को कितना बोलो कि। लेकिन वो है ना देख रहा था मुझे तो वो है ना पाँव लटका लटका के पहन रहा था, पलंग पे नहीं रखा ज़्यादा, तो देख रहा था मम्मी देख रही। तो कार्तिक पूरा रेडी हो गया है और कार्तिक का जो लंच बॉक्स है ना वो भी बन गया है। तो आज मैंने बनाया है वेजिटेबल पुलाव सब्जियों वाला डाल के, और तो बस वही सीटी बस निकलना बाकी है, उसके बाद मैं उसके टिफ़िन में जो है ना वो भर दूँगी। तो खुश हो जाता है जिस दिन ये पुलाव बना दो ना, तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे बहुत ज़्यादा। तो फिर है ना खड़े होके करवाएगा, इसमें भी भर दो, इसमें भी और डाल दो, तो ऐसे करता है। तो बच्चों को जिस जो चीज़ पसंद होती है ना और वो चीज़ बना के दो तो मुझे भी एक अलग खुशी हो जाती है कि चलो कोई चीज़ तो जो है कितना शौक से हर चीज़ वैसे खा लेता है आजकल, जो चीज़ मैं देती हूँ धीरे धीरे खाने लगा। नहीं तो खाने के मामले में इतनी ज़्यादा परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों से अक्सर बताती हूँ कि मेरा कार्तिक ये नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन धीरे धीरे खाने लगा तो मुझे संतुष्टि हो गई। तो देखिए यहाँ पर सारे बॉक्स में है ना उसने जो है पुलाव रखवा लिया है और काफ़ी टेस्टी बना था, और कि मम्मी मैं आके भी खाऊंगा यही। तो मैंने खैर बचा देती हूँ क्योंकि वो खाता है, तो वैसे खाना तो दाल चावल में गरम गरम बनाती हूँ दोपहर में, तो थोड़ा सा हम वो बनाएंगे और पुलाव मैंने थोड़ा ही बनाया तो उसके लिए मैं बचा दूँगी। तो कार्तिक का जो टिफ़िन है ना वो रेडी हो गया है, बहुत ही सिंपल सा मैंने मॉर्निंग रूटीन आज का था, आज आप मॉर्निंग सॉरी नाइट टू मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जो है ना ये मैं निकाल लूँगी अब सिंक से, तो इनको बाहर ले जाके और बस इनको और धुलना है, बाकी मेरा किचन साफ़ सुथरा सारा कंप्लीट हो गया है। मैं सुबह जैसे ही जाता है कार्तिक थोड़ी देर बाद ना सारा मतलब बाहर तक छोड़ के ही आके और सारा किचन विचन साफ़ करके और कंप्लीट कर देती हूँ। तो इससे क्या है ना पूरा इजी मतलब वो रहता है कि चलो साफ़ सुथरा किचन है, फिर दोपहर का लंच ही बस बनाना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ सारे सिंक से जो है ना बर्तन जो है ना वो निकाल ले रही हूँ, इतने बर्तन जो है ना वो गंदे हो गए हैं और कुछ वही रात के भी पड़े थे। तो बाकी बड़े वाले मैंने अभी है ना बनाना था मुझे वो बनाना था ना पुलाव, तो वो मैंने धो लिया था। चाय भी बन गई मेरी, तो मैं यहाँ चाय निकाल रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए काली चाय। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।